विद्युत मजदूर पंचायत के बैनर तले चौथे दिन भी मीटर रीडरों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। शुक्रवार को नगर निगम पार्क में चल रहे धरने का नेतृत्व विद्युत मजदूर पंचायत के क्षेत्रीय सचिव संदीप कुमार श्रीवास्तव ने किया। संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि बीते वर्ष मुख्य अभियंता और कंपनी के निदेशक के बीच जो समझौता हुआ था उसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे सभी मीटर रीडरों में आक्रोश पैदा हो गया है। अगर मीटर रीडरों की मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती है तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। BCITS का कार्य प्रणाली सही नहीं है, जिसके कारण केवल शोषण हो रहा है। जबकि गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने जब BCITS कंपनी के क्लस्टर हेड ऑफिसर राधे कृष्ण तिवारी से बात की तो उन्होंने मीटर रीडरों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। राधे कृष्ण तिवारी ने कहा कि मीटर रीडरों को निर्धारित लक्ष्य पर मानदेय निर्धारित किया गया है और कोड अलाट करके उनका PF भी काटा जाता है। उन्होंने कहा कि वही मीटर रीडर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं जो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे मीटर रीडरों को भी काम करने से रोक रहे हैं, जिसकी लिखित सूचना बिजली विभाग और प्रशासन को दे दिया गया है। कार्य बहिष्कार के दौरान अत्यंत कुमार, अमित कुमार यादव, सोनू गुप्ता, अरविंद सिंह, शिव नारायण आदिल, करुणेश दुबे, अमित कुमार सिंह, बाल गोविंद, राजेश गौड़, देवेंद्र अभिषेक सिंह सहित अन्य मीटर रीडर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विद्युत मजदूर पंचायत के क्षेत्रीय सचिव संदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जबकि गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए BCITS कंपनी के राधे कृष्ण तिवारी ने बताया, तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है, तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है, जिंदाबाद, 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 नहीं अभी तक तो नहीं पाया, उन्होंने पाया। आज पाँचवा दिन कार्य बहिष्कार का है मीटर रीडर का, और इसमें मेन दो दोषी जो हैं वो अधीक्षक अभियंता और कंपनी के जो यहाँ मिले जुले लोग हैं, जो ठेकेदार के लोग जैसे जोनल इंचार्ज हैं, बंटी तिवारी हैं, फलाने ढमाके जो भी सब यहाँ के देख रेख करते हैं मंडल के, वो सब मिले हुए हैं। ये कमीशनबाजी करते हैं आपस में, मीटर रीडरों का शोषण करते हैं। ये लोग तय किए थे 9,834 रुपये महीना दिया जाएगा, 1500 बिल निकालेंगे मीटर रीडर। ये लोग अपना 1500 से ऊपर भी बिल निकालना है तो इनको 3,000 से 4,000 के बीच में सैलरी दिया जा रहा है। ना तो इनके कहीं EPF का पता है, ना UA नंबर मिला है, और ना ही ESI किया गया है, ना इनको वर्दी दी गई है। कहा गया था सारी चीज़ें तय हुई थी 8 महीना पहले, 18 अक्टूबर 2018 को। तो इस पर ये लोगों ने नहीं किया, लाली पाप देते रहते हैं कि कल हो जाएगा, परसों अगले हफ्ते हो जाएगा। इसमें मेन दोषी अधीक्षक अभियंता और कंपनी का जो यहाँ डायरेक्टर है, जो भी लोग हैं, तो ये लोग जब तक इस काम को नहीं करते हैं, पूरा वेतन नहीं देते हैं, और सबको EPF खाता सितंबर से लेकर के अभी तक एक EPF में पैसा नहीं जमा होता है इनका जो भविष्य निधि का है, तब तक ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मेरा नाम राधे कृष्ण तिवारी है और मैं क्लस्टर हेड ऑपरेशन, मैं क्लस्टर 7 का ऑपरेशन मैनेजर हूँ। तो द्वारा हमको किसी भी प्रकार की कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है और ना ही हमको मौखिक है, तो जिससे हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कारण है, और बिना किसी कारण बताए वो हड़ताल पर चले गए हैं। तो जब तक वो हमारे साथ संवाद स्थापित नहीं कर पाएंगे, हम इस बारे में बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे कुछ। अर्बन क्षेत्र में कितने मीटर रीडर हैं, कितने हड़ताल पे चले गए इस समय? अर्बन क्षेत्र में इस समय 122 मीटर रीडर हैं और करीब 70 के नियर अबाउट हड़ताल पे हैं। हड़ताल पे जाने से काफ़ी रीडिंग नहीं हो पा रही, जनता परेशान है, तो इस तरह की वार्ता करने का प्रयास किया? हमने वार्ता करने के प्रयास किया, लेकिन उधर से कोई जो है अनुकूल उत्तर नहीं मिला, इसलिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है। हमने कुछ नए मीटर लिए हैं, कुछ अपने रूरल के मीटर से लेके हम जो है शहर में कार्य सुचारू रूप से करा रहे हैं। हमने जो हमारे यहाँ जो भी वर्तमान में कार्यरत मीटर रीडर हैं, जो हमारे पेरोल पे आ गए हैं, सबको हमने UN नंबर प्रोवाइड कर दिया है, मैसेज के थ्रू भी कर दिया है, और कुछ लिस्ट उनके सुपरवाइजरों को भी देती थी कि आप उनको दे दीजिए। देन हमने उनका ESIC भी काटा है, और वो चाहे तो पोर्टल पे खुद से चेक कर सकते हैं, शायद जानकारी ना होने के अभाव में ऐसा वो कह रहे हैं, जबकि हमने UN नंबर सभी मीटर रीडरों को प्रोवाइड कर दिया है। और लोग मीटर रीडर हड़ताल कर रही हैं, उनको भी जो अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जी, कुछ मीटर रीडर फील्ड में काम कर रहे हैं, जो पुराने मीटर रीडर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जो है ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि आगे आप हमारे साथ हड़ताल से जुड़िए, और कुछ लोग उनके साथ गलत व्यवहार भी कर रहे हैं। और हमने जो है जाँच की, जब 2-3 जगह पे जब हमने जांच की नए मीटर रीडरों के साथ, तो हमको कुछ जगह रीडिंग स्टोर भी मिली, और जिसकी सूचना हमने विभाग के साथ प्रशासन को भी दे दी है कि इन इन जगहों पे हमको इस तरीके की चीज़ें मिली हैं, और शायद इसीलिए उन मीटर रीडरों को और नए मीटर रीडरों को धमकाया जा रहा है। कितने क्षेत्रों में काम करते हैं मीटर रीडिंग? गोरखपुर के अर्बन के 4 डिवीज़न हमारे पास हैं, और 4 डिवीज़न हम काम करते हैं।
ग्रामीण छोटा कुल मिला के हमारे पास 44 डिवीजन है, 44 डिवीजन है और 2800 मीटर रीडर हैं। जो मीटर रीडर हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनका कहना है एक्सीएन से और आप संदीप अलग है, इसलिए हम लोगों का शोषण किया गया। एक्सीएन से और हमारी किसी भी प्रकार के कोई मिली भगत नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके ऊपर सुपरवाइजर हैं, देन सुपरवाइजर के ऊपर सर्कल इंचार्ज हैं, देन जोनल हैं और इन्होंने किसी को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि सुपरवाइजर भी फील्ड में काम कर रहे हैं और कुछ मीटर रीडर भी काम कर रहे हैं, सर्कल भी काम कर रहे हैं और अधिशासी अभियंता से हमारी इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें प्रस्तुत करें, फिर हम देखेंगे कि क्या हमारी उसे बातचीत हो जिन चीज़ों को ये लेके कह रहे हैं, ये तो मिथ्या आरोप होगा।